प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम बीएड सेकंड ईयर का ऐच्छिक विषय भूगोल शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत इस पाठ्य पुस्तक का फिर से दोहरण कार्य के तौर पर कई फर्स्ट फिर शुरू कर रहा हूँ। इस पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत कई हमारे फर्स्ट है वो है भूगोल पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे भूगोल पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। भूगोल पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत के अंतर्गत हमने पहले भी पढ़ा है और अब भी पढ़ेंगे, तो इसके अंदर बताइए कि भूगोल पाठ्यक्रम का निर्माण किस प्रकार से होना चाहिए, किन सिद्धांतों के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी के अंतर्गत बालक का विकास किस प्रकार से होना चाहिए। तो एक बालक जब विद्यालय में प्रवेश करता है और प्रवेश होने के बाद वह किन किन क्रियाओं के प्रति उन सिद्धांतों को पाठ्यक्रम के तौर पर, क्योंकि पाठ्यक्रम हमने पढ़ा है कि पाठ्यक्रम के अंदर भी हमारे चार प्रकार होते हैं, प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक। तो इन पाठ्यक्रमों के आधार पर विद्यार्थी की मानसिक और शारीरिक क्षमताओं के आधार पर उनका निर्माण किया जाता है। तो हम पढ़ रहे हैं कि हम पीजी लेवल प्रशिक्षण के माध्यम से अगर पढ़ा जाए तो भूगोल पाठ्यक्रम का निर्माण जो कि सिद्धांत है वो किस प्रकार से होना चाहिए। तो पहला आधार हमारा आता है पर्यावरण केंद्रता का सिद्धांत। कौन सा आता है? पहला जो सिद्धांत हमारा है वो है हमारा पर्यावरण केंद्रता का सिद्धांत, पर्यावरण केंद्रता का सिद्धांत। तो यह हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि पाठ्यक्रम निर्माण के अंतर्गत जिन सिद्धांतों का प्रयोग होता है। तो पहला आता है कि पर्यावरण केंद्रता का सिद्धांत, पर्यावरण, व्यक्ति, जब बालक का जब जन्म होता है तो बालक के जन्म के आधार पर अगर देखा जाए तो उसका जो विकास है वो अपने वातावरण के अनुसार उसका विकास होता है। जिस प्रकार से जब बालक परिवार में रहता है तो परिवार में जिस प्रकार का माता पिता या उनके परिवार जो अनुकरण करते हैं, जो विचार करते हैं, जो बातें रखते हैं, उन बातों को बच्चा सीखता है। मतलब जिस बालक जिस परिवेश में रहता है बालक उसी के अनुसार अपना विकास करता है। तो पहला आता है आपका पर्यावरण के अंतर्गत सिद्धांत। बोला कहता है कि भूगोल के पाठ्यक्रम का निर्माण पर्यावरण पर आधारित होना चाहिए। इसको होना चाहिए पहला, मतलब कि भूगोल के पाठ्यक्रम का जो निर्माण है वो पर्यावरण पर आधारित होना चाहिए, क्योंकि पाठ्यक्रम में न केवल मौखिक एवं संस्कृति पर्यावरण का ज्ञान संबंधित तथ्यों को सार्थकता करना चाहिए, नहीं शामिल करना चाहिए। तो शामिल करने में कहा गया है कि एक व्यक्ति जब अपने पर्यावरण के परिदृश्य में रहता है तो वो भौतिक एवं संस्कृति के अनुसार उससे संबंधित क्रियाओं के बारे में जानकारी होता है। जैसे पर्यावरण का मानव जीवन पर प्रभाव पड़ता है, जैसे ग्रीन हाउस का प्रभाव या वन क्षेत्रों का लगातार कम होना या विश्व में तापमान का बढ़ना या समाधान करना चाहिए। तो ये पर्यावरण के लिए होता है कि जब बालक का जब विकास होता है तो बालक का जो पाठ्यक्रम होता है तो पर्यावरण के परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए उसके प्रभाव, समस्या या उनके दूर करने के उपायों को साथ में उसके व्यवहार को करना चाहिए। जैसे कहें कि पर्यावरण जीवन जो पर्यावरण प्रदूषण जो है हमारा जीवन पर असर पड़ता है, उसके लिए ग्रीन हाउस जहाँ पर तापमान की कमी होती है वहाँ उन क्षेत्रों में ग्रीन हाउस का एक फार्म बनाकर उसमें की जाने वाली खेती के बारे में समझाया जाता है। फिर सेकंड नंबर आता है सामाजिक केंद्रता का सिद्धांत। सेकंड नंबर का आता है पहला आता है समाज, मतलब समाज केंद्रता का सिद्धांत। तो पहला है पर्यावरण का आधारित समाज, क्योंकि बालक का जो जन्म होता है वो समाज में होता है और समाज में किस प्रकार का परिवेश होना चाहिए उसमें दिखा गया कि इसके अंतर्गत कि भूगोल का पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि भूगोल का पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए वो
उससे समाज को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। मतलब भूगोल का पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिससे समाज को अधिक से अधिक लाभ मिल सके, क्योंकि प्रत्येक समाज ये अपेक्षा करता है कि भविष्य में शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात उसे समाज की उन्नति हो सके। मतलब समाज के बारे में इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत इतना कहते कि विश्व हमारा कुटुंब कम है, यानी पूरा विश्व जो है कुटुंब है, उस कुटुंब के अंतर्गत कितने प्रकार के व्यक्ति अपनी अपनी भाषा को मान सम्मान विशेषण और तौर के तरीकों से उसमें सम्मान देते हैं। तो कहा जाता है कि भविष्य के अंतर्गत इस समाज के बारे में हम उस विद्यार्थी को इतना समझाएं कि वह समाज के विकास के लिए शिक्षा को प्राप्त करके वह समाज की उन्नति के लिए प्रेरित हो। जबकि पाठ्यक्रम निर्माण के समय उस समाज की अपेक्षा आकांक्षाओं तथा आवश्यकताओं का महत्व दिया जा सकता है कि समाज किस प्रकार का होना चाहिए, समाज में किस प्रकार के व्यक्तियों का निर्माण किस आधार पर होना चाहिए, किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए, हमें किसकी आवश्यकता होती है जो समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, ऐसे व्यक्ति की हमें बहुत ही आवश्यकता होती है। थर्ड नंबर आता है उपयोगिता का सिद्धांत। थर्ड नंबर कौन सा हमारा? उपयोगिता का हमारा पाठ्यक्रम भूगोल पाठ्यक्रम जो है वो अच्छे पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण गुण है। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिससे विद्यार्थी के भावी जीवन में सफलता को प्राप्त कर सके। जैसे हम कहते हैं करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान, नसरी आवत जावत तन पर पड़त निशान। मतलब एक गुरु जी के बार बार कहने पर आधार पर विद्यार्थी उस क्रिया को दोहराता है, अनुकरण करता है, तो उस अनुकरण की प्रति प्रतिक्रिया होती है, विद्यार्थी उस क्रिया को शिक्षण को उस कौशल को इतना प्राप्त कर लेता है कि वह कभी भी जीवन में भूल नहीं सकता है, वह जीवन में हर प्रकार की प्रतियोगिता को सफल करने में बहुत आगे होता है। तो कहता है कि ताकि आप जीवन का निर्माण वह सही ढंग से सही प्रकार से कर सकें, कि जीवन में अंदर सफलता किस प्रकार से प्राप्त की जाती है वह इस पाठ्यक्रम के आधार पर ही की जाती है। कि पाठ्यक्रम केवल सैद्धांतिक नहीं होना चाहिए बल्कि वह व्यवहारिक भी होना चाहिए, क्योंकि सैद्धांतिक ज्ञान सिर्फ किताबों तक ही सीमित रहता है, व्यवहारिक ज्ञान तो हमारे जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है कि व्यवहार हमारे उस व्यक्ति के प्रति दूसरे व्यक्ति के प्रति किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, वो ऐसा व्यवहार ऐसा सिद्धांत हमारे पाठ्य पुस्तक में होना चाहिए। कहता है कि पाठ्यक्रम केवल सैद्धांतिक ज्ञान पर आधारित नहीं होना चाहिए, सिर्फ व्यवहारिक ज्ञान पर होना चाहिए, कि पाठ्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों में समाज के साथ सामंजस्य स्थापित कर सके, वह जीवन के अंदर समाज के प्रति अपने आप को महत्व दे सकते हैं कि समाज में किस प्रकार की बातों को लेकर किस प्रकार के संस्कारों को लेकर हम आगे बढ़ना चाहिए, हमें किस प्रकार की बातें करना चाहिए। तो भूगोल पाठ्यक्रम के निर्माण से ऐसे होता है कि विद्यार्थियों को या शिक्षक को प्रशिक्षण के प्रति हमें इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए जो जीवन के अंतर्गत स्वयं को और समाज को लेकर आगे साथ बढ़े, जीवन के अंदर भविष्य के अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थी अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए विद्यार्थियों का विकास तीव्र गति से कर सके, इस प्रकार का पाठ्यक्रम हमारे पाठ्य पुस्तक में होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक एक हमारा जीवन का एक सारा है जिसके माध्यम से हमें आसपास के समसामयिक घटनाओं के बारे में सब विस्तार पूर्वक अध्ययन करने के लिए तत्पर होता है, और इस अध्ययन के आधार पर व्यक्ति विद्यार्थी अपने जीवन को सफल बनाने के लिए इस प्रकार के पाठ्यक्रम का सारा लेकर वह अपने जीवन को लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वह सक्षम उत्तरदायी होता है। तो कहने का मतलब है कि भूगोल के पाठ्यक्रम के सिद्धांत के अंतर्गत आज हमने तीन प्रकार के सिद्धांतों के अंतर्गत पढ़ा है। पहला है कि विद्यार्थी का जो सिद्धांत है वो केंद्रीय पर्यावरण के होना चाहिए, पर्यावरण हमारा जिस प्रकार का होगा विद्यार्थी उसी पर्यावरण के अनुसार अपने आप को ढालने की कोशिश करता है। समाज में जिस प्रकार के रीति रिवाज संस्कार संस्कृति का जो विकास हो रहा है
उन संस्कृति का विलुप्त ना हो, इस प्रकार की शिक्षा के अंदर पाठ्यक्रम होना चाहिए। उस संस्कृति के बारे में, उस समाज के बारे में या उस जाति के बारे में सब विस्तार से अध्ययन कर सके, क्योंकि विद्यार्थी जब उस समाज के बारे में जानता है तो समाज की संपूर्ण जानकारी विद्यार्थी को होनी चाहिए। इस प्रकार का हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए। फिर आता है उपयोगिता का सिद्धांत। उपयोगिता सिद्धांत होता है कि उस समाज, उस पाठ्यक्रम का हमें उपयोग किस प्रकार के पाठ्यक्रम में करना चाहिए, किस किस व्यवहार में करना चाहिए, क्योंकि पाठ्यक्रम सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित होता है। व्यवहार में उस पाठ्यक्रम को व्यवहार में किस प्रकार लाया जा सकता है, हमारे व्यवहार में किस प्रकार से परिवर्तन हो सकता है, उसके प्रति बालक को उस सिद्धांत के प्रति उस पाठ्यक्रम के आधार पर वह अपने जीवन का, समाज का विकास कर सके, ऐसा हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। इस पाठ्यक्रम के आधार